चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने चक्रव्यूह बनाया है ताइवान के चारों ओर। अमेरिका का अभेद किला तैयार, ताइवान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम करेगा अमेरिका। एंटी शिप वेपन के साथ जापान के ओकिनावा में तैनात है यूएस मरीन। तो अमेरिका की तरफ से पूरा एक सिक्योरिटी अपरेटस तैयार किया जा रहा है, कवच तैयार किया जा रहा है जिसे चीन भेद ना पाए। फिलीपींस में अमेरिका के चारों सैन्य बेस जो है वो फुल अलर्ट पे हैं। तो चीन को लेकर जो बर्न ने चेतावनी दी है वो अगर इससे जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी गंभीरता के साथ चीन के खिलाफ तैयारी कर रहा है और ताइवान को फुल प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है। ड्रैगन की गर्दन दबाने का अमेरिका का ये प्लान क्या है? तो नंबर वन, फिलीपींस में यूएस के चार नए सैन्य बेस अलर्ट पर हैं। नए बेस ताइवान साउथ चाइना सी के बॉर्डर में हैं, दक्षिण कोरिया से जापान तक निगरानी में मदद मिलेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसे और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच और मजबूत होगी। नए बेस चीन के साथ दो सबसे बड़े संभावित फ्लैश पॉइंट। यूएस मरीन कोर की नई यूनिट ताइवान के करीब मौजूद है और एंटी शिप वेपन के साथ जापान के ओकिनावा में तैनात यूएस मरीन है। तो एक तरीके से आप देखिए, समुद्री घेरे बंदी तो है ही, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि चीन के आक्रमण के समय कितनी जल्दी ताइवान को पूरी मदद पहुंचाई जा सकती है। ये पूरी तैयारी अमेरिका की। और देखिए, चीन ताइवान को लेकर ये सारी जो टेंशन है, ये सारा जो तनाव है, इसमें एक ही चीज है कि अमेरिका लगातार इसमें ताइवान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। यूके देवनाथ सर, मैं यही सवाल शुरू में भी पूछा था, मैं इसके एक्सटेंशन में एक चीज और जोड़ देता हूं। भाई, चीन को तो हम सभी कह रहे हैं कि उसकी पॉलिसी क्या अग्रेसिव है, ये है वो है, क्या अमेरिका अग्रेसिव नहीं है? अगर अमेरिका इतनी एडवांस तैयारी कर रहा है तो क्या इसको प्रोवोकेशन में काउंट नहीं किया जाएगा अगर ग्लोबल वॉरफेयर के हिसाब से देखें तो, जो चीज रूस कहता रहा हमेशा? जी हाँ रवि, अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी तैयारियां बहुत शानदार हैं। जैसा कि आपने दिखाया, वो गुआम में तैयार है अमेरिका, फिलीपींस में चार जगह तैयार है, जापान के ओकिनावा में तैयार है, साउथ कोरिया में उन्होंने बुसान में अपनी फौजों को तैयार रखा है। लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेट बार बार ये बोल रहे हैं कि इनका इस्तेमाल तभी होगा जब पहले चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा। यानी वह अमेरिका चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप ताइवान की तरफ अपनी निगाहें गिराने का गुस्ताखी ना कीजिए, उसका वार्निंग है। एक और चीज मैं बता दूं, आज की तारीख में चीन डरा हुआ ज्यादा इसलिए है कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया तो शायद सबसे बड़ी पेनल्टी ऐसी होगी कि अमेरिका 500 तरह के आर्थिक प्रतिबंध सैंक्शंस चीन पर लगा देगा। और ये बहुत खतरनाक होगा चीन के लिए। चीन की जितना वाणिज्य है, व्यापार है, उनकी शिपिंग जो है कमर्शियल शिपिंग, वो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन से गुजरती है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर अगर इस खबर के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए, हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज ने कैसे कैसे सैंक्शंस लगाए रूस पर, लेकिन इससे उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी हकीकत है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।